हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे ये जो प्लान कंसिस्ट करता है ना, एक कुल मिलाकर 29/6 मतलब मान लीजिए मोटा मोटा में आप मान सकते हैं 30x56 फीट 6 इंच में बना हुआ है। तो आज आपको इसका पूरा कंप्लीट डिटेल बताना चाहेंगे। तो देखिए, वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। डबल कार पार्किंग का प्लान है ये। तो जिनके पास रेंट पोर्शन देना है, ग्राउंड फ्लोर में जो है ओनर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो है आप रेंट देना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए वीडियो में, वीडियो को शुरू से अंत तक, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही कम सब्सक्राइबर आए हैं। पता नहीं, एक वक्त मेरा था कि बस मैक्सिमम सब्सक्राइबर थे, और अब भी यूट्यूब में इस तरह से लटका दिया बीच में कि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना कोई व्यूज़ भी आ रहे हैं, और नए क्रिएटर्स को काफ़ी मदद हो रहा है। हम जैसे पुराने क्रिएटर्स को तो पूरा खड्डे में गाड़ दिया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए क्या है, दूसरा भी एक ऑप्शन है, जैसा कि प्राइवेट फील्ड या फिर गवर्नमेंट जॉब। ओके, लेट इट बी अबाउट इट, लेट डिस्कस अबाउट दिस प्लान। और देखिए, ये नॉर्थ से एंट्रेंस रहेगा, ये डबल पार्किंग है, 22x9x16 फीट 9 इंच का पूरा डबल पार्किंग, दो कार आराम से बैठ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पर स्टेयरकेस दिया गया, आप चाहे तो हाफ लैंडिंग वाला स्टेयरकेस लीजिए, या फिर जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है उस तरह का ले सकते हैं। वहाँ से एंटर हुआ है, हॉल का साइज है 13x19 फीट का एक हॉल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट रहेगा, और ये एंड से लेके यहाँ तक जो है 19 फीट आ जाएगा। फिर देखिए, वहाँ से आप एंटर करें बेडरूम में, बेडरूम नंबर 2 इसका साइज 10x9x11 फीट 3 इंच का रहेगा। यह है टॉयलेट एंड बाथ, 4x8 फीट का एक टॉयलेट एंड बाथ रहेगा, एंड ये शेलोज यहाँ पर आप ले सकते हैं इस तरह का। ओके, अगर आप चाहे तो इधर और बड़ा भी कर सकते हैं रूम को, और यहाँ हॉल से एंटर हुए एक स्टोरेज के लिए जगह रहेगा, 13x5 फीट का स्टोरेज ले सकते हैं आप। फिर देखिए, यहाँ पर एक पूजा रूम 3x5 फीट का एक पूजा रूम है। फिर देखिए, यहाँ पर एक किचन है, 10x9 फीट 6 इंच का किचन आ जाएगा। और एक चीज़, यहाँ पे यूटिलिटी के लिए काफ़ी जगह है, सफिशियंट 3 फुट 6 इंच का पूरा ऑफसेट जगह छोड़े गया है, पूरा फुल। ओके, एंड यहाँ पर एक बेडरूम नंबर 1 है, 14x10 फीट 6 इंच का, और इधर देखिए एक अटैच टॉयलेट है, बस 7x3 फुट 6 इंच का। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान बन गया। अभी आपको बता देंगे इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना सा, करीब करीब आपको 25 लाख खर्चा आ जाएगा, बिकॉज इसका स्लैब एरिया काफ़ी बड़ा है, उसके वजह से आपको खर्चा आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कॉलम, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉलम, इधर 10, 11, 12, 13 कॉलम, और 14, 15, कुल मिलाकर 15 कॉलम आ जाएंगे इसमें। और बस 9x15 इंच का कॉलम लीजिए, बताने जैसा और कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बच गया है तो भी प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछिए, मैं डेफिनेटली ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड काफ़ी सारे लोग जो है अपना मोबाइल नंबर देते हैं, तो देखिए मुझे बहुत दिक्कत होता है कि सभी को रिप्लाई देना, या फिर आपके अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार हम पेड प्लान से, मगर सही है, पेड प्लान से पैसे लेके हम प्लान देते हैं, मगर सबको अलग अलग थिंकिंग रहता है, थोड़ा हेडेक वाला काम है सबको प्लान देना भी। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है हमारे लाइफ में। धन्यवाद, आप अपना कीमती समय देके इस वीडियो को देखें ना, कमेंट करिए और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे।